Friends, welcome to Drone Tech Doctor once again. So today is the question answer session. So we'll take latest comments. Or agar aap naye hain channel pe to please subscribe kar lijiye. And this is a drone exclusive channel where we give information about drones. Each and every aspect of drone is covered here. Drone regulation, drone tips, best drones, everything about drones. So please subscribe kar lijiye. So is tarah se hum session question answer session bhi karte hain 10-15 din mein ek do baar, jisme main aapke comments leta hu aur almost sare comments lene ki koshish karta hu aur नाम के साथ आपका रिप्लाई करता हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला कमेंट। तो ऐश्क चक्रवर्ती, मिस्टर चक्रवर्ती कह रहे हैं बेस्ट वीडियो फॉर मी, जिसमें मैंने कंपेरिजन किया था स्पार्क और एयर का। आई हैव ऑलरेडी प्लान टू बाय स्पार्क इन फ्यूचर आफ्टर फ्यू मंथ्स। वन क्वेश्चन, डेलो देयर इज नो इशू लाइक रजिस्ट्रेशन एंड ऑल, एज इट कम इन नैनो कैटेगरी। स्पार्क कम्स इन माइक्रो और नैनो, डू आई नीड टू रजिस्टर इट इन माई पर्पज, जस्ट फॉर हॉबी, नो प्रोफेशनल वर्क। बेसिकली आपके वर्क के ऊपर डिपेंड नहीं करता आपको रजिस्ट्रेशन कराना है या नहीं ड्रोन का, वो डिपेंड करता है सोली ऑन द बेसिस ऑफ वेट। इफ योर ड्रोन इज मोर देन 250 grams, नो मैटर वॉट विच ड्रोन यू हैव, यू हैव टू रजिस्टर इट नो मैटर वॉट। सो आपको अगर स्पार्क लेना है, चाहे वो हॉबी के लिए लेना क्यों ना हो, तो आपको उसको रजिस्टर तो करवाना ही पड़ेगा। दैट्स इट। चीनू बैरा कह रहे हैं दोनों का स्पीड टेस्ट करें। स्पीड टेस्ट करने का फायदा नहीं स्पार्क और एयर का, ऑब्वियसली एयर इज फास्टर। DJI Fender 4 की प्रो की बैटरी फुल जाती है, प्लीज़ इसके बारे में फुल जाती है इसके बारे में कुछ बताइए, ऐसा क्यों होता है, इससे कैसे बच सकते हैं? बैटरी का फूलने का एक ही कारण होता है कि वो हीट उसको, मेरे को लगता है आप या तो जैसे ड्रोन की बैटरी निकालते हैं और उसके साथ के साथ आप उसको चार्जिंग में ला लेते हैं, चार्ज होती नहीं है, हमेशा ठंडी बैटरी को चार्जिंग पर लगाएँ और कॉन्टीन्यूस, अगर बस काफ़ी बैटरी हैं तो हफ्ते में एक बैटरी को रेस्ट जरूर दें। मतलब चार बैटरी आपके पास है तो तीन से, मतलब चार यूज़ कर रहे हैं रोज, तो एक दिन एक बैटरी को रेस्ट दें कि आज हमने तीन बैटरी से काम करना है, तो इस तरह उसको थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। और इसके अलावा और कुछ नहीं, अगर ज़्यादा पुरानी हो जाए बैटरी तब भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज़ कोई और प्रॉब्लम हो नहीं सकती। यही मेन प्रॉब्लम है जो मैंने आपको बता दी। चीनू बहरा कह रहे हैं आपकी बात, मी ड्रोन अच्छा है, वो बात ठीक है, मी ड्रोन चीप प्राइस में 4K वीडियो दे रही, तो मैं ड्रोन उस हिसाब से ठीक है, ड्रोन अच्छा है कहना ठीक नहीं है, वो भी अच्छा ड्रोन है। मी ड्रोन की बात कर रहे हैं, यार मी ड्रोन अच्छा ड्रोन है, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि मी ड्रोन बेकार ड्रोन है, बट मैं ओवरऑल परफॉर्मेंस की जब बात करता हूं तो मैं DJI को बेटर रखता हूं। इट्स माय चॉइस, बाकी आपकी मर्जी है, जो मर्जी आप लें। जगदीश जी कह रहे हैं मी ड्रोन की बैटरी प्रॉब्लम है, मेरे पास एक साल से हैं, तीन बैटरी ख़राब हो चुकी हैं, फ्लाइट टाइम 20 मिनट है, तो ये इनका एक्सपीरियंस है। आई कांट कमेंट ऑन दिस कि इनकी बैटरीज बड़ी जल्दी ख़राब हो रही हैं, तो इट इज़ वन ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ मी ड्रोन की बैटरीज जल्दी जा रही हैं, तो इट्स फॉर जस्ट फॉर नॉलेज, एवरीबॉडी शुड लिसन दिस। नदीम अहमद कह रहे हैं अभी ड्रोन का क्रेज मार्केट में आने दो, फिर देखना सर का चैनल आसमान की बुलंदियों को कैसे छूता है। थैंक यू वेरी मच फॉर द एप्रिसिएशन, या मैं भी ऐसी की वेट कर रहा हूँ। और अगर आप रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर कोई यहाँ पर रीडिंग ब्लॉग रीडिंग करता है, तो मैंने ब्लॉग भी शुरू कर दिया DroneTechDoctor.com के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है, तो आप वहाँ पर जाकर उसको फॉलो करें और यू कैन रीड एवरी इन्फॉर्मेशन जो मैं यहाँ प्रोवाइड करता हूँ वो मैं, और मे बी कुछ और मेरे को थॉट में आएगा तो मैं उसमें रिटर्न में लिखता हूँ। रिटर्न में कई बार आपको याद नहीं करना पड़ता, सीधा आपको वो खोलना है और आपको रिटर्न में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सो प्लीज़ फॉलो ऑन दैट। राहुल मोत्रा माई ब्रोस, द थिंग इज वेरी रियली अमेजिंग, ही इज टॉकिंग अबाउट निक्सी ड्रोन जो कि वेरिएबल ड्रोन है, या इट्स रियली अमेजिंग। नेक्स्ट इज क्या लॉन्च होगा, चीनू बैरा कह रहे हैं फैंटम 5 लॉन्च हो सकता है, कल लॉन्च डेट है DJI की, तो फैंटम 5 भी हो सकता है, एयर 2 भी हो सकता है, और एक्शन कैमरा की बहुत लीक्स आ रही है, मैंने फोटो भी शेयर की थी, काफ़ी जगह छाई हुई है, तो कुछ भी हो सकता है, कल पता लग जाएगा। किशोर जी कह रहे हैं सर आई जस्ट वॉन्ट टू बाई DJI Mavic, प्लीज़ सजेस्ट मी वेयर फ्रॉम वेयर आई कैन बॉट। ये मैं इस पर एक ब्लॉग भी लिखूंगा कहाँ से अभी ले सकते हैं ड्रोन, फिलहाल अभी इम्पोर्ट मत कीजिए, इम्पोर्ट करना मतलब लीगल नहीं है, फंस सकता है ड्रोन, कईयों का फंसता है। और अगर आप लेना ही चाहते हैं तो काफ़ी लोकल मार्केट्स हैं दिल्ली में, मुंबई में, कपूर फोटो, चांदनी चौक में काफ़ी फोटो हैं जहाँ से आप ले सकते हैं, इट्स अप टू यू कहाँ से आपने लेना है। विजय कुमार भूमि जी कह रहे हैं सर दैट इज़ नॉट अबाउट ड्रोन, देर आर लीक्स ऑफ DJI लॉन्चिंग एक्शन कैमरा। हाँ लीक्स हैं यार, ये एक्स की बात कर रहे हैं कि क्या लॉन्च हो रहा है, तो कुछ भी लॉन्च। योगी जी कह रहे हैं सर DJI Fender 4 की बैटरी लाइफ कितनी होती है, 30-31 मिनट वो करते हैं क्लेम, तो 29-28 मिनट का फ्लाइट टाइम देते हैं। और अगर लाइफ टाइम पूछ रहे हैं बैटरी का, तो अगर अच्छे से आप उसको मेंटेन रखते हैं तो कम से कम 3 साल, तो 2.5-3 साल निकालती है। ये मैंने क्लियर कर दिया कि आप रेगुलर उसको रेस्ट भी दें और रेगुलर रिचार्ज भी करें और धूप और डायरेक्ट सनलाइट से बचाएं और अच्छे से स्टोर करें,
पानी या लिक्विड से बचाएं, जैसे आम बैटरीज का हम ध्यान रखते हैं वैसे ही है। सादिक जी कह रहे हैं वाटरप्रूफ ड्रोन दैट विल बी इंटरेस्टिंग, या श्योर, जो लॉन्च होने वाला है कल उसके बारे में। तो माई ड्रोन इज 0.3 kg यानी 300 grams का, एंड इट्स कॉस्ट 4,000 rupees। आई कैन फ्लाइट विदाउट एनी रेगुलेशन? नो। इफ इट इज अबव 250 grams यू हैव टू रजिस्टर इट, मिस्टर एस जी गेमिंग। स्पेक्ट्रो वन ऑफिशियल जी, मैं एक माइक्रो ड्रोन घर में बना रहा हूँ, उसका यू आई नंबर भी लेना पड़ेगा? बिल्कुल लेना पड़ेगा, अगर आप वेट 250 ग्राम से ऊपर ले जाते हैं तो। गौरव गुलेरिया, हाई थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग DJI ड्रोन्स। आई डोंट वॉन्ट टू नो दैट हाउ कैन आई रजिस्टर माई DJI स्पार्क, और इज इट नेसेसरी टू रजिस्टर इट? एंड वन मोर थिंग, आई वॉन्ट टू नो दैट इज देर एनी नीड फॉर लाइसेंस फॉर फ्लाइंग स्पार्क ड्रोन? आई एम फ्रॉम हिमाचल। So these are two questions. One you are asking for license, and one you are asking for registration. Registration is mandatory for all drones which are above 250 grams, and license is not mandatory. License is mandatory in some special conditions. जैसे माइक्रो ड्रोन्स की जो लिमिट है वो उन्होंने बताई है 200 feet तक आप उसको उड़ा सकते हैं ऊंचाई में। If you want to go above that, then you need license. So there are some spaces. Airspace is controlled and uncontrolled. So if you want to fly drone in controlled airspace, which where usually they don't allow, then you need license. And if you want to fly a very big drone above micro category, then you will require drone license. Otherwise, in regulations, you don't need that. Hope clear ho gaya hoga. Giri Dada keh rahe hain, hi sir, abhi DJI Magic Mavic Air kitni hai, kitne ka hai? Ye jo variable karta hai, 70-75. नाइस हाउस भाई, ये वो जो ब्लॉग वाला मैंने वीडियो बनाया था उस पर बता रहे हैं। गैरू चैनल, ओके, थैंक यू वेरी मच। सीमा शौकीन, हमें कोई तो ड्रोन इंपोर्ट करने की इजाज़त होगी, बिकॉज नैनो ड्रोन रिक्वायर नथिंग टू इंपोर्ट एंड फ्लाई। फिलहाल इंपोर्ट के ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं आया है। नैनो ड्रोन्स, टॉय ड्रोन्स भी फंस रहे हैं, प्लीज़ मत बाय कीजिए। जैसे कुछ अपडेट आएगा मैं अपने चैनल पर ज़रूर आपको बताऊँगा। कंपस कैलिब्रेशन करने के से क्या होता है? कंपस कैलिब्रेशन करने से ये होता है कि जब आप जहाँ से ड्रोन उड़ाते हैं वहाँ से ड्रोन के सेंसर्स को पता लग जाता है लोकेशन का, कि मैं यहाँ से उड़ा हूँ, वो होम पॉइंट अच्छे से रिकॉर्ड कर पाता है, और इन इवेंट ऑफ रिटर्न टू होम या कुछ मिसहैप होती है या बैटरी कम रह जाती है, तो रिटर्न टू होम में अपने आप अगर कंपस कैलिब्रेशन प्रॉपर होगी तो सही जगह पर ड्रोन पहुँच जाएगा। अगर इन केस आपने कंपस कैलिब्रेशन नहीं की, उड़ा दिया, तो उसका होम पॉइंट रिकॉर्ड नहीं होगा, तो रिटर्न टू होम अगर किसी कारण आपको दबाना पड़े या अपने आप वो रिटर्न टू होम हो जाए तो वो गुम हो सकता है ड्रोन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, करनी चाहिए हमेशा। और इससे मैंने एक और चीज़ बताई थी कि कंपस कैलिब्रेशन प्रॉपर हो तो एटी मोड अपने आप ट्रिगर नहीं होता। तो अगर आपने जानना एटी मोड क्या है तो मेरा कल वाला वीडियो देख लीजिए, और इस वीडियो के लास्ट में लिंक भी मिलेगा आपको एंड स्क्रीन पे। किस साइट से मंगवाया आपने अपना? मैंने किसी साइट से नहीं मंगवाया, मैंने एक डीलर से खरीदा था। मोबाइल नंबर मांग रहे हैं, श्योर आई विल शेयर व्हेन आई हैव, सून आई विल हैव। नेक्स्ट इज निलदारी हरदर, ब्रो दिस लॉन्च हैज नथिंग टू डू विद एनी ड्रोन लॉन्च और एनी DJI लॉन्च इन इंडिया ऑल टुगेदर टुडे अनरिलेटेड। द प्रोडक्ट इटसेल्फ इज मोस्ट प्रोबब्ली नॉट अ ड्रोन, रूमर्स सजेस्ट एन एक्शन कैमरा। रूमर्स आर रूमर्स, रूमर्स आर ऑफ Phantom 5 ऑल्सो, रूमर्स आर ऑफ Mavic Air 2 ऑल्सो, सो यू कांट कमेंट ऑन दैट। थैंक यू फौजी सूद, फर्स्ट व्यूअर, फर्स्ट कमेंट, थैंक यू वेरी मच। शुभम घोष, थैंक यू सर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वेलकम वेलकम। शौर्य गोल, कैन आई ड्रोन, कैन आई फ्लाई ड्रोन आफ्टर DJI प्लेटफॉर्म ओपन अप बिकॉज आई एम 30 years old? रजिस्ट्रेशन, फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन DJI प्लेटफॉर्म यू हैव टू बी 18। प्रितेश नायक, थैंक्स ब्रो फॉर दिस इन्फॉर्मेशन, बट आई वॉन्टेड टू नो ऑल अबाउट Vizio 809, हाउ ड्रोन यू कैन प्लीज मेक ए वीडियो, हाउ कैन यू प्लीज मेक ए वीडियो? Vizio 809 पे आपका वीडियो बनेगा, ज़रूर मैंने नोट कर लिया। फर्स्ट सक्सेसफुल लाइव किडनी डिलीवरी बाय ड्रोन के ऊपर, वाओ डूड। साइबरॉक्स गेमिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर द कमेंट। एस जी गेमिंग कह रहे हैं, सर आई हैव अ टॉय ड्रोन सोल्ड बाय कंपनी कॉल्ड मैजिक वैन, वेट इज 290 grams, कैन इट फ्लाइट? यू कैन फ्लाई इट, बट 290 grams है तो 250 से ऊपर हुआ तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। हेमराज जी कह रहे हैं, सर जी मैं एक DJI Phantom 4 Pro सेकेंड हैंड परचेज करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना बाद में रजिस्ट्रेशन करने में? कोई यू ए नंबर प्लीज़ डाउट क्लियर कर दो। जी सेकेंड हैंड ड्रोन मैं तो आपको मना ही करूँगा मत लें, अगर आप ले भी रहे हैं तो अभी फ़िलहाल
जो जिनके पास नए भी हैं तो उनका भी ऊपर भी वही चीज़ एप्लीकेबल होती है। सब वेट कर रहे हैं DJI की अपडेट का, और अगर DJI अपडेट देती है तो आपके ड्रोन में भी अपडेट डेफिनेटली आ जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट हैंड सेकेंड हैंड का कोई चक्कर नहीं है, बाकी आप ध्यान से लें, सेकेंड हैंड में कोई प्रॉब्लम ना हो, दैट्स इट। फेंडर 4 प्रो या एडवांस प्लस में से एक ड्रोन सेकेंड हैंड परचेज करना है मुझे, तो ये बताओ ड्रोन कौन सा ठीक। फैंटम 4 प्रो ज़्यादा मार्केट में अच्छा कर रहा है, तो माई सजेशन इज 4 प्रो। जिंटू दीप शिकास जी कह रहे हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया ये चैनल खोलकर, थैंक यू, मुझे बहुत हेल्प हुआ हिंदी पे समझने के लिए। प्लीज़ आप एक नो पोजीशन मोड क्या है उसके ऊपर एक वीडियो बनाए ना प्लीज़। नो पोजीशन मोड पी मोड होता है बेसिकली, वो मैंने उसके ऊपर आपके लिए वीडियो बना दी है, आप जाके देखिए। रॉयल इस्टर कैमरा ड्रोन कह रहे हैं, हाय सर, हेलो हेलो, टी सीरीज लोकल हेलो। कॉस्ट ऑफ DJI स्पार्क कॉम्बो 45 नियर अबाउट। एंड अविनाश, वेयर कैन आई बाई मैविक प्रो 2 फ्रॉम दिल्ली और मुंबई, डिड यू ऑर्डर वीजियो? वीजियो का पता कर रहे हैं, आई मेक वीडियो ऑन दैट। विशाल चंद चंदोदरा, सेम प्रॉब्लम आई फेस थ्राइस टाइम, व्हेन यू गेट इनटू दैट प्रॉब्लम एनी गॉड कैन सेव यू, आई एम हैविंग फेंडर 4 प्रो प्लस। सो ही इज एटी मोड की बात कर रहे हैं हम। यस यू आर राइट मिस्टर विशाल, थैंक यू फॉर द एडवाइस, वेलकम सर, वेलकम, आई एम हेयर फॉर दिस ओनली टू हेल्प यू फ्लाई योर ड्रोन सेफली। गौरव गुलेरिया कह रहे हैं, हाई थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एटी मोड, मेरा ड्रोन भी एटी मोड में आ जाता है कभी कभार, पर अब कंपस कैलिब्रेशन कर लिया करूंगा एज यू सजेस्टेड, गुड, थैंक यू। आई डी एस पार्क, मुझे बस एक चीज़ जाननी है कि हम अपने हॉबी के लिए ड्रोन लें तब भी रजिस्टर करना पड़ेगा, और कैसे होगा रजिस्टर, मेरी बस यही प्रॉब्लम है। मैंने आपको पहले, आपने शायद पहले भी कमेंट किया था तो पर्पज़ के ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं होनी है। अगर आप कार लेते हैं, कार आप चाहे टैक्सी बनाइए चाहे आप घर पे रखिए, कार के लिए नंबर प्लेट लगानी पड़ती है। उसी तरह अगर आप ड्रोन 250 ग्राम से ऊपर लेते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा लीगली। अक्षनिल शीट, आई थिंक कल घर के अंदर उड़ाते वक्त ये हुआ था, एटिंग मोड की बात कर रहे हैं। घर में तो जैसे सिग्नल नहीं आएगा तो डेफिनेटली ट्राइपॉड मोड में था, बहुत दिन यूज़ नहीं होगा इसलिए डिस्चार्ज कर रहा था बैटरीज। ओके, अचानक कंट्रोल्स काम नहीं किया, वॉल की ओर जाने लगा, धीरे धीरे ब्लेड हल्का सा टच होते होते मैं छट से पकड़ लिया। तो इज टॉकिंग अबाउट एटी मोड, तो ये चीज़ें होती हैं, ये तभी होता है जब आपको सिग्नल GPS का प्रॉब्लम नहीं मिलता, तब वो एटी मोड में चला जाता है, तो इट्स वेरी डेंजरस, ध्यान रखिए। योगी जी कह रहे हैं, सर कंपस कैलिब्रेशन कैसे करते हैं, प्लीज़ एक वीडियो बनाइए। तो ये काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने ड्रोन पे कंपस कैलिब्रेशन का डेमो पूरा प्रॉपर दूं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। अगर अच्छे क्वांटिटी में यस और कमेंट्स आ जाएंगे तो डेफिनेटली आई विल मेक वीडियो ऑन दैट। कंपस कैलिब्रेशन ड्रोन उड़ाने से पहले बार बार करने सही है या नहीं, या महीने में एक बार? हर बार उड़ाइए, महीने में एक बार नहीं, हर बार। तनवीर आलम कह रहे हैं, सर क्या हम अपने किसी रिलेटिव से DJI का ड्रोन USA से मंगवा सकते हैं, और एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक में दिक्कत तो नहीं होगी? होगी भैया, अभी फ़िलहाल इट्स ऐसे कोई रेगुलेशन नहीं जिससे आप सेफली ड्रोन बाहर से मंगा सकें, तो बस एक तरीके हैं जिसमें कई लोग डिसमेंटल करके मतलब बैटरी अलग, प्रोपेलर अलग, रिमोट अलग, ऐसे करके ले आते हैं और 90% तक वो निकल जाते हैं, 10% फिर भी रिस्क रहता है, तो इट्स रिस्की थिंग, इट्स ऑल डिपेंड ऑन द लक। योकेश जी कह रहे हैं, मेक ए वीडियो ऑन DJI 4 Pro V2 एंड P4 एडवांस प्लस कंपैरिजन। कंपैरिजन मांग रहे हैं, श्योर डेफिनेटली, बट वीडियो जी कह रहे हैं, थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन, वेलकम सर। योगेश जी कह रहे हैं, नाइस वीडियो सर, थैंक यू। सारिका, हेलो गाइस, आई एम फ्रॉम पटना, ये मेरा कोई पुरानी वीडियो की बात कर रहे हैं, दैट इज नॉट रिलेटेड, थैंक यू। पाल डिजिटल, मैविक प्रो और मैविक एयर में क्या डिफरेंस है वेडिंग शूट के लिए? वेरी गुड क्वेश्चन। मैविक प्रो और मैविक एयर, मैविक एयर थोड़ा शॉर्टर छोटा फॉर्म है मैविक प्रो से, मैविक प्रो थोड़ा हैवियर है, और मैविक प्रो की जो कनेक्टिविटी है वो ऑक्यूसिंक से है, और मैविक एयर जो है वो वाईफाई ड्रोन है, तो आपको मैविक प्रो में थोड़ा भारी होगा तो अच्छे विंड्स को हैंडल करेगा, कनेक्टिविटी अच्छी मिलेगी, थोड़ी बैटरी ज़्यादा अच्छी मिलेगी, तो अगर आप वेडिंग के पर्पज़ से ले रहे हैं तो मैविक प्रो
इज क्वाइट बेटर देन मैविक एयर। बाकी आपको ऐसा कोई इशू नहीं है, आपने ज़्यादा दूर तक नहीं ले जाना ड्रोन, तब मैविक एयर भी आपका काम कर देगा। पर आपको बैटरी थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ेंगी क्योंकि उसकी बैटरी थोड़ी छोटी है। गौरव गुलेरिया, अगर मैं हॉबी के लिए ले रहा हूँ ड्रोन, रजिस्ट्रेशन का वक्त हम किस पॉइंट में क्लिक करना है? हाँ, जो भी मर्जी आप करें, ये डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं तो आपको रिमोट पायलट प्रोफाइल पर क्लिक करना है, ये मैंने आपको बता दिया। कंपास कैलिब्रेशन का वीडियो बनाइए, रॉक स्टार डीजे डोरिया। यानी काफ़ी रिक्वेस्ट मुझे आ गई हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी भर दीजिए कि प्लीज़ आप ये वीडियो बनाइए डेमो के लिए, तो मैं बनाऊँगा। तो ये था आज का क्वेश्चन आंसर सेशन, और अगर किसी का क्वेश्चन रह गया है तो घबराइए मत, नेक्स्ट सेशन में ले लूँगा। और आप फिर से कमेंट कर दीजिए, कई बार कोई नए कमेंट्स में पिछला कमेंट छूट जाता है, सो दैट आई वॉन्ट कि सबका नाम यहाँ लिया जाए, सबका कमेंट यहाँ पर आए, तो आप दोबारा से कमेंट कर दें प्लीज़। और होप आपको पसंद आया होगा आज का सेशन, तो कल देखते हैं क्या डीजे लॉन्च करता है, और अपडेट्स आपको इस वीडियो पे मिल जाएंगी। बाकी ब्लॉग को भी फॉलो कर लें मेरे। थैंक यू वेरी मच, जय माता दी, थैंक यू।